हेलो गाइस, स्वागत है सभी का नए ब्लॉग के अंदर। और आज हम जा रहे हैं भानगढ़, द मोस्ट हंटेड पैलेस ऑफ इंडिया, भूतिया महल। तो हम गाइस रामगढ़ होते हुए भानगढ़ जाएंगे। आज में और मालकिन अपने धनों पर सवार होकर जा रहे हैं मोस्ट हंटेड पैलेस ऑफ वर्ल्ड भानगढ़, भूतों का घर। डिग्री का तापमान और अरे बंदर देखो खा घुस के बैठे हुए। रामगढ़ होते हुए जो करीब 70 किलोमीटर के आसपास है और गाइस टेम्परेचर करीब 45 डिग्री के आसपास। रामगढ़ का बांध देखते हुए हम भानगढ़ जाएंगे। रामगढ़ के बांध की भी एक अपनी कहानी है। पहले गाइस यहां पानी हुआ करता था, पर अब यहां बिल्कुल सूख चुका है। पेड़ों से आच्छादित पहाड़ियों के बीच एक ऊंचा बांध बांधकर एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। जमा माता का मंदिर व पुराने किले खंडर इसके पुरावशेष हैं। विशेषकर बारिश के मौसम में इसके आकर्षक प्राकृतिक दृश्य इसको एक बेहतर पिकनिक स्थल बना देते हैं। इस झील में पानी 1999 तक था और यह 2000 से सूखी है। यह जयपुर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अधिकतम 15.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस झील का निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 में रामगढ़ के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। एक समय यह झील जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत थी। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल था। तो गाइस भानगढ़ का सफर अभी बाकी है। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। चलो तो फिर दिखा देते ये लोग। गाइज ये रामगढ़ का बांध, ये आप देख सकते हैं। हेलो गाइज, स्वागत है सभी का नए ब्लॉग में। और गाइज बादल देखो, और आज हम जा रहे हैं भानगढ़। जिला अलवर पधारने पर सानी विभाग आपका स्वागत करता है। तो गाइस भानगढ़ यहाँ से ओनली 6 किलोमीटर है। भानगढ़ का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है गाइस। गाइस क्या कोई चाहता है हमारे एंट्री करते आंधी आ गई यार, बताओ बस। हेलो गाइस, स्वागत है सभी का एक और नए ब्लॉग के अंदर। और आज मैं आया हूँ भानगढ़। गाइस सच में बहुत दिन से इच्छा थी भानगढ़ आने की, जो आज पूरी हो गई। आप देख सकते हैं भानगढ़ जो अलवर में स्थित है। तो गाइस हम एंट्री कर रहे हैं भानगढ़ के अंदर। करुण सी माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है क्या? बारिश भी आ गई यार। तो गाइस ये टिकट घर ऐसे देख सकते हैं। कितने का टिकट? दो दे दो। गाइस 25 रुपए का टिकट है यहाँ पर एक आदमी का, आप देख सकते हैं।
क्या। तो गाइस जैसे भानगढ़ में एंट्री हुई, वैसे आंधी तूफान और ये गाइस बारिश के छींटे आप देख सकते हो, हल्की फुल्की बारिश के छींटे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए गाइस बारिश के छींटे, गाइस 25 रुपए का एक आदमी का यहाँ पर टिकट है। गाइस ये देखो, भारत भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवान दास जी ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी, जिसे बाद में राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 ईस्वी के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। गाइस आप देख सकते हैं भानगढ़ के बारे में, तो गाइस आज हम आए भानगढ़ जो आप देख सकते हैं, और मेरे साथ यहाँ पर है मालकिन लाल टोपी के अंदर। देखिए गाइस भानगढ़, या यही शायद वो जगह है जहाँ पर मेला लगता था गाइस, बाजार है। ये शायद भानगढ़ का पूरा जो गाइस पूरा भानगढ़ स्टार्ट होता है उसका मैप है। गाइस ये देख लो भानगढ़ की एंट्री अभी कर ही रहे हैं हम लोग। ये पहले घर हुआ करते थे गाइस लोगों के, 2-3 मंजिल के। भानगढ़ का बाजार ये देखिए पूरा बाजार, तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, नया दिन नया सफर, और आज हम आए भानगढ़। ये गाइस सब दुकानें ये सब बाजार है जो अब पूरे ढह चुके हैं। आज बारिश शुरू हो गई और यहाँ पर कहीं छुपने की जगह भी नहीं, बारिश आ गई यार। इतनी सी बादल ही है बस ये तो बारिश कर रही है ऊपर से, भगवान चाहता है कि हम गाइस। आज का तापमान 43 डिग्री हो रहा था यहाँ पर, फाइनली इस बादल से थोड़ी बहुत राहत तो मिल रही है। सूरज अभी तक देख सकते हो वहाँ पर, सूरज है ऊपर। गाइस ये देख सकते हैं आप भानगढ़ के ये जो बन रखे हैं यहाँ पर, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। ये सब 2-3 मंजिला की दुकानें हुआ करती थी, ये जयपुर का जौहरी बाजार था पहले। ऐसे देखिए एक बाजार, पहले ही बाजार होते थे शायद, हाँ दुकानें लग रही है यार, ये पहले के बाजार थे शायद ये। पहले बाजार लगता था ना वो, भानगढ़ में एंट्री करते बाजार। ओ भाई आसमान ही बोल रहा है, छुपने की जगह भी नहीं है इधर, कितना तेज बारिश आ जाएगी।
सच में यार क्या व्यू है देख। चुके हैं आज बानगढ़ के अंदर, दिल की मुराद पूरी हो गई आज। तो कैसा लग रहा है मिस्टर कुलदीप पेंसर को? देखिए यहाँ पर ही पहले बाजार लगा करते थे, यहाँ आप देख सकते हैं। सो हाय मिस्टर कुलदीप पेंस, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त। कब से आना चाहते थे यहाँ पे? बचपन से आना चाहता था मैं यहाँ पर। चांदपोल अपने दुकानें नहीं है क्या? चांदपोल के अंदर, इनके अंदर है ना, एक वैसी दुकान है। तो वो राजा महाराजों की तो है। देखो गाइस, पहले यहाँ पर शायद 2 मंजिल थी लेकिन अब 1 मंजिल ही रह गई है, और ऊपर का हिस्सा ये गायब हो चुका है इतने सालों के अंदर, और सभी का नहीं सिद्धे यहाँ तक ही रह चुकी है। अब ये इतने गिर चुकी है, इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि बस अब कल ये एक ही बिल्डिंग रह गई है, अब एक ही छत। यहाँ पर भी इतने रह गए, एक एक मंजिल ही रह गई। बिल्डिंग के ऊपर था पहले पेड़, दीवार के ऊपर चढ़ के हो गया ये पेड़ ऐसा। अरे आंधी तूफान से डर लग रहा है मुझे तो, और यार चक्कर आने लग गए। हवा गाइस यहाँ पर इतनी भयंकर चल रही है ना कि पूछो मत। उस समय हल्की हल्की बारिश के छींटे भी रोड देखो। यहाँ पर आपको बंदर भी बहुत मिलेंगे, देख सकते हैं आप। ये बरगद के पेड़ 500 साल पुराने हैं। चलो बादल तो बहुत ज्यादा हो गया यार, तेज आएगी शायद बारिश। वो बाजार था पीछे का, ये किले का गेट, मेन किले का गेट गाइस, ये है शायद मेन किले का गेट ये है। लोगों के अनुसार ये कहा जाता है सेनापति पहरेदार सिंधा नामक तांत्रिक हुआ करता था, जो कहीं से ये सुनकर आया था कि बानगढ़ में तंत्र मंत्र विद्या वालों का सम्मान किया जाता है। एक दिन बाजार में उसकी नज़र रानी रत्नावती पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत थी, और रानी को पाने की कोशिश करने लगा। एक दिन उसने रानी की दासी को वशीकरण मंत्र से सिद्ध किया हुआ एक तेल दासी को देकर बोला कि रानी से कहना कि इसे लगाने से अवलौकिक फ़ायदा होगा। रानी को उस तेल में कुछ गलत दिखा और रानी ने उस तेल को पत्थर की एक शिला पर फेंक दिया, तो वह शिला से तांत्रिक दबकर मर गया। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया था। तो गाय जैसी कहानी कही जाती है भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, उधर वो महल का गेट था, गेट से हम यहाँ पर आ चुके हैं। पहले बाजार था, उसके बाद महल का गेट था, तो उससे हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद में ये गाइस आप देख सकते हैं, वो सामने महल है भानगढ़ का, देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पर। अभी हम उस महल के अंदर जाएंगे ऊपर।
गाइस देखिए व्यूज, फाइनली पानगढ़ के किले के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं गाइस। गाइस वहां पे पहरेदार रहता था ऊपर, उस पे सेनापति, वो देख रहे हैं आप छोटी सी जो। यहाँ से गाइस रानी पे वो सेनापति नजर रखा करता था ऊपर से। तो गाइस ये देखिए बानगढ़ का ये एंट्री, महल का एंट्री गेट। डर रहे हैं। जूते पहन रखो, मैं यहाँ से रोक देगा। गाइस ये भोमिया जी का मंदिर आप देख सकते हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, और ये महल है पूरा, इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। और वहाँ नीचे से आया अभी। काय की आवाज आ रही है? ये आवाज कर रही है ना? हवा की आवाज कितनी भयंकर आ रही है उधर से यार। ये गाइस जंगल है इधर पूरा। गाइस ये सामने आप जो देख रखे हैं, ये गुप्त रास्ता था जो भी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। लड़ाई बहुत खड़ी है यहाँ पर, एकदम सीधे चढ़ाई है, इतनी उतनी नहीं है कुछ भी। और गाइस ये तहखाना था पहले, जिसके अंदर हम जाने तो नहीं सकते अभी। और गाइस ये देख सकते हैं आप, ये तहखाना था, उसके अंदर अभी चमगादड़ है। व्यू यहाँ का बहुत ही औसम है। राजा तो इसलिए यहाँ पर घोड़े से चढ़ता था। अच्छा वो मंगला देवी का मंदिर है, और उधर ही वो केसरी का है। गाइस ये है महल का एंट्री गेट, ये देखिए फिसल आ जाए एक बार। गाइस ये देखिए महल का एंट्री गेट। यहाँ पर गार्ड बैठते थे पहले। ये कोर्ट कचहरी थी पहले ना। अच्छा तो यहाँ से सेनापति ऊपर जाता था ना ऐसे। हाँ सीढ़ियाँ तो गिरी जाएगी इतने सालों में, 500 साल पहले। तो वहाँ पर ये पूरा कोर्ट था। अच्छा पूरा यहाँ पर राजा फैसले लिया करता था पहले। गाइस ये देखो महल की सीढ़ियाँ, यहाँ की एक एक सीढ़ियाँ इतनी ऊँची होती है महलों की। गाइस देख सकते हैं आप बानगढ़ का महल। गाइस ये देखिए ये कमरा है जिसमें कैदियों को फांसी दी जाती थी ऊपर से, और यहाँ नीचे लटका दिया जाता था। क्या है उधर? ये भी दूसरा फांसी देने की जगह। अच्छा रात को चमगादड़ है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी चमगादड़ है, ये कमरे अंदर तक ये। करके देखो हाँ ये कमरे हैं, चमगादड़ भरी हुई है अंदर।
कमरे बन रखे है। देख ले अंदर जाके देखना, एक चप्पी ये देखो ऊपर, देखो ऊपर चमगादड़, ये देख। ये रात को निकलती थी, इनकी आवाज कौन सी है? अच्छा महल गाइस पहले 7 मंजिला हुआ करता था, अब हम ऊपर जा रहे हैं महल देखने। यहाँ ऊपर ये कमरे थे गाइस, ये कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, और ये रानी का बाथटब था नहाने का, इसके ऊपर 3 मंजिल इमारत और बनी हुई। अच्छा यहाँ पे गाइस पहले यहाँ पे रानी स्नान करती थी, ये टब था, इसके ऊपर 3 मंजिल और, हाँ मतलब ये 3 मंजिल का था है ना, अब पूरा गिर चुका है ये। ये गाइस देखो ये पूरा 3 मंजिल का था, 7 मंजिला। ये कुछ गिरे हुए अवशेष महल के। ये रानी का कमरा था गाइस, इसके ऊपर 3 मंजिल और थी, और वो किले की बाउंड्री लग रही है। इसके अंदर जयपुर की बसावट थी, ये पुराना जयपुर था पहले, तो इसी दीवार में 4 गेट है, फुलवारी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट। और गाइज मुख्य द्वार पर कई मंदिर है, जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर, मंगला देवी मंदिर, गणेश मंदिर और नवीन मंदिर। और गाइज जो पुराने घर मिट्टी में दबे हुए थे, सरकार ने सबको बाहर निकाला, सैनिकों के घर थे, लोगों के घर थे गाइज। और जो ये बरगद के पेड़ आप देख रहे हैं, ये भी गाइज 500 साल पुराने थे ये बरगद के पेड़, इनकी जड़ें नीचे लटक जाती हैं और ये वापस नए बन जाते हैं गाइज। तो गाइज ये आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ नीचे ही राजा हाथी घोड़े भी बांधा करते थे। तो गाइज ये था पुराना जयपुर, और बाउंड्री के पास ही एक मकबरा भी है गाइज, वो भी 500 साल पुराना ही है। बानगढ़ इतने साल हो गए अंदर, तो पूरा महल गाइज ये देखो, महल बानगढ़ का महल। ये देखो गाइज बानगढ़ का महल, आज हम बानगढ़ के अंदर है, आपका भाई आपको आज बानगढ़ दिखा रहा है गाइज। ये देखिए पूरा महल गाइज ध्वस्त होता जा रहा है पूरा, ये अवशेष है महल के। घर का सिंहासन, अच्छा यहाँ पे पंचायती। रानी रत्नावती का मंदिर है गाइस, देवी की पूजा करती थी रानी। अभी भी गाइस शादी की कहानी रानी रत्नावती का है ना, रानी रत्नावती का महल मंदिर। देखिए पुराने जमाने के महल तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जो कारीगरी है आप देख सकते हैं, आज के टाइम पे तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना धीरे धीरे ये सब लुप्त होता जा रहा है। ये देखिए गाइस मेरे सामने देख रहे हैं, पहले 7 मंजिल का था गाइस ये, और अब 4 मंजिल का रह गया है गाइस। अरे भी देखिए कैसे बनाया केडीएफ, देख
देख के आत्मा खुश हो गई। आत्मा से तुम्हें मिला नहीं लेकिन मेरी आत्मा गाइस आज यहाँ पर आके खुश हो गई बहुत। आज मैंने फाइनली तो ये क्या उड़ रहे उधर दिखाना तो ये क्या कमरे थे ये वाले देखिए गाइस पुराने जमाने की जो थी ये इस तरीके से। अब तो ऑलमोस्ट पूरा महल ये देखिए गाइस पूरा महल का गाइज यहाँ से व्यू देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये पुराने जमाने है गाइज देखिए गाइज ये बाणगढ़ का किला पहले 7 मंजिला का हुआ करता था जो अब गाइस 4 मंजिल ही ऑलमोस्ट बचा है तो हमें यही देखने को मिला है अभी तक। ये गाइस देख सकते हैं आप ये नीचे जाने का रास्ता है इधर से और ये आगे इधर कमरे में जाने का गाइस रास्ता है। गाइस ये ऊपर जाने की सीढ़ियां गाइस बाणगढ़ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये देख सकते हैं गाइस आप बाणगढ़ चलिए गाइस नहीं चलते देखिए गाइस सीढ़ियां इस तरीके से बना रखी है ऊपर जाने की देखिए गाइस चलो जैसा बना रखा है मतलब कमरे देखिए ये शायद मंदिर हुआ करता था क्या पहले यहाँ पे क्या करते थे इस जगह पे क्या करते थे दिए लगाते थे शायद यहाँ पर। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये पहले कमरे ही बने हुए थे ये भी सब कमरे हैं पहले के 500 साल पुराने और ये चौक है राजा का घर का चौक। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लें। तो गाइस बाणगढ़ का किला पूरा ऊपर से देखने के बाद हम लोग अब नीचे जा रहे हैं तरतावत ले लेने शॉट एक मेरा ले अरे हाँ यही गेट दिखा देते हैं।
नए गेट लगाए। पहले लकड़ी के गेट थे। गाइस ये देखिए, पकड़ के आ जाए इसको। तो यूज कर रहे हैं अपन पूरे रास्ते इसको। हाय गाइस, हेलो गाइस, ये देखिए काले मुंह का बंदर, आप देख सकते हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर का, सोमेश्वर जी महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पर। सोमेश्वर महादेव मंदिर, हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर भी गाइस। गाइस ये देखिए सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर, और ये हमारे नंदी बाबा। ये पुराने नंदी जी महाराज, ये वाले पुराने नहीं, हाँ पुराने नंदी महाराज ये वाले, ये शायद अभी नया लगाए ये वाले सर, ये उससे पुराने ये वाले, 500 साल क्या पता ये पुराने हो। तो ये देख सकते हैं गाइस आज मंदिर का दृश्य। मंदिर का गेट तो गाइस खुला नहीं है, महादेव जी के दर्शन यहाँ से ही कर लीजिए गाइस आप, महादेव जी के दर्शन। जय हो शिव शंकर भगवान बाबा की, जय हो। गाइस सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है यार कुछ बंद कर रखा है लेकिन। चल देखो, बोला था मैं और क्या। तो गाइस आज मैंने आपको दिखाया भानगढ़ का किला जो अलवर क्षेत्र में स्थित है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और गाइस अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। ये जो बरगद के पेड़ आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम के पेड़ है। कछुआ थोड़ी है वो। गाइस आप कमेंट में मुझे बताना है क्या चीज है। गाइस ये देखो मजे ले रहे हैं बारिश में।
गाइस ये देखो मंदिर। क्या हो गया तो ये हमारे गणपति पापा मौर्या और इधर यहाँ से नहीं क्या पता प्यास लग रही है पानी पिला दूंगा हाथ में देते नहीं चपट्टा मारे वो तो बोल से देखते कोई दूसरा नहीं आ जाए बस खुश अरे बैग पे चपट्टा मार लेगा यार। तो गाइस पूरा बाणगढ़ का हमने आज नजारा लिया पूरा बाणगढ़ मंदिर देख लिया ये देखे गाइस यहाँ के नजारे तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें तो गाइस मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में तब तक के लिए राधे राधे जय श्री राम गाइस बाकी आप भी यहां पर आ सकते हैं देख सकते हैं बाणगढ़ चलो गाइस जबगढ़ मेरे भाई के पास गाइस हम पियेंगे सोडा सिकंजी बैटरी डाउन हो गई यार पूरी 15% बची अब जयपुर से वीडियो बनाते बनाते आ रहे मैं देखा चल गया होंगे यार तुम गाइस सोडा सिकंजी तो गाइस अब हमें जल्दी से जयपुर पहुंचना था क्योंकि मौसम एकदम ही ख़राब हो गया था ये आप देख सकते हैं कितने घने काले बादल हो रहे हैं और दौसा में के रास्ते में जयपुर के रास्ते में पहुंचते पहुंचते बारिश हो गई गाइस फाइनली जो कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो गाइस ये देख सकते हैं आप तो गाइज रास्ते में रुक के थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हुए हम जाते हैं तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और यहाँ पर हम कुछ चाय नाश्ता लेते हैं तो गाइज मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए राधे राधे जय श्री राम।